दोस्तों आज हम बात करेंगे एसबीआई डेबिट कार्ड में कॉन्टेक्टलेस पेमेंट को कैसे एनेबल करते हैं। दोस्तों अगर आपका डेबिट कार्ड एनएफसी सपोर्ट कार्ड है तो आप कोई भी कॉन्टेक्टलेस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आजकल सभी डेबिट कार्ड में एनएफसी फंक्शन होता है जिसके जरिए विदाउट पिन आप 5,000 रुपीज तक कॉन्टेक्टलेस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लेकिन ट्रांजेक्शन करने से पहले एनएफसी फंक्शन को एनेबल करना होगा। अगर एनएफसी फंक्शन एनेबल नहीं है तो आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों एसबीआई नेट बैंकिंग एंड योनो एसबीआई के जरिए एनएफसी कॉन्टेक्टलेस पेमेंट को एनेबल कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे योनो एसबीआई के जरिए एनएफसी फंक्शन को कैसे एनेबल करते हैं। दोस्तों पहले योनो एसबीआई आपको ओपन करें। ओपन करने के बाद आपके होम स्क्रीन के नीचे सर्विस रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। देन सर्विस रिक्वेस्ट में सारी बैंकिंग सर्विस मिल जाएगा। यहाँ पे एटीएम और डेबिट कार्ड का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। अभी एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड दीजिए। पासवर्ड देने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। देन यहाँ पे मैनेज कार्ड का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। दोस्तों अभी यहाँ पे सेविंग अकाउंट को सिलेक्ट कीजिए। देन डेबिट कार्ड को चूज करें। उसके बाद मैनेज यूजेस के ऊपर क्लिक कीजिए। देन यहाँ पे डेबिट कार्ड रिलेटेड सारी सर्विस मिल जाएगा। नीचे कॉन्टेक्टलेस एनएफसी फंक्शनलिटी का एक ऑप्शन है, ये एनएफसी फंक्शन अभी डिसेबल है, इसको एनेबल करना होगा ट्रांजेक्शन करने के लिए। दोस्तों सभी डेबिट कार्ड में एनएफसी फंक्शन पहले से डिसेबल होता है, ट्रांजेक्शन करने से पहले इसे एनेबल करना होगा। एनएफसी फंक्शन के ऊपर क्लिक करके इसको एनेबल कर दीजिए। दोस्तों इसके अलावा पीओएस ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एंड इंटरनेशनल यूज को भी एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। अगर आप अपनी डेबिट कार्ड के थ्रू कोई भी ऑनलाइन एंड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे तो इन दोनों ऑप्शन को एनेबल कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। देन बैंक रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को दीजिए, सबमिट पर क्लिक कीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपने जो चेंज किया था वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। अभी आप कोई भी कॉन्टेक्टलेस पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों सिर्फ कॉन्टेक्टलेस पेमेंट के टाइम इस एनएफसी फंक्शन को ऑन करिए एंड बाकी टाइम इसे ऑफ करके रखिए, क्योंकि अगर आपका डेबिट कार्ड कहीं खो गया तो कोई भी इस एनएफसी फंक्शन का गलत यूज कर सकता है, क्योंकि विदाउट पिन ये फंक्शन काम करता है। तो दोस्तों ये रहा एसबीआई डेबिट कार्ड में कॉन्टेक्टलेस पेमेंट को एक्टिवेट करने का पूरा प्रोसीजर। ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट पे बताइए, एंड अच्छा लगे तो वहाँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।